जोश और उत्साह के साथ हम सबको संबोधित किया हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान ताराचंद जी सरस्वत ने। अब आपके बीच में नोखा की आवाज, जन जन के चहेते, युवाओं के आइकन श्रीमान बिहारी लाल जी विश्नोई को आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान बिहारी लाल जी विश्नोई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नोखा की खुद की स्थानीय सरकार चुनने के लिए इस जैन चौक पे उमड़े हुए जनसैलाब को देख के मातृशक्ति के चरणों में वंदन करते हुए, हमारे बुजुर्गों के चरणों में वंदन करते हुए, नौजवान साथियों का इस्तकबाल करते हुए, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए कि नोखा की सरकार चुनने नोखा के 45 वार्डों से मातृशक्ति के नेतृत्व में नौजवानों का हुजूम उमड़ पड़ा है और अपनी स्थानीय सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुन के ही रहेगा। 28 तारीख को एक एक वोट कमल के निशान पर डाल के अपनी सरकार 20 वर्ष बाद निश्चित तौर पर इस बार बनाएगा, क्योंकि 14 वर्ष में तो राम का वनवास भी पूरा हो गया था, अब तो वर्ष 20 हो गए। और इस मौके पर हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस नौका की खुद की सरकार, स्थानीय निकाय की सरकार आप और हम 28 तारीख को चुनने जा रहे हैं, उस नौका की नींव रखने वाले महाराजा गंगा सिंह जी की पोती पड़पोती सिद्धि कुमारी जी स्वयं आपके बीच में आई है और जोरदार तालियों से सिद्धि कुमारी जी का स्वागत करिए। और हम तो पलक पावड़े बिछाए हुए थे, सिद्धि कुमारी जी आएंगी, सिद्धि कुमारी जी बड़े स्नेह और लाड के साथ आई। और इन्होंने आने से पहले बीकानेर की राजमाता साहब से जब चर्चा की कि मुझे नोखा आने का निमंत्रण मिला है, राजमाता साहब की तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, लेकिन राजमाता साहब ने अपनी पोती को आशीर्वाद देके भेजा, ये सिद्धि अगर नोखा ने बुलाया है तो जरूर जरूर जाना और नोखा के लोगों से रूबरू होना, माताओं बहनों से मिल के आना, उनके हालचाल पूछ के आना, नोखा 20 वर्षों से किस हाल में है, किस हालात में है। स्वर्गीय महाराजा गंगा सिंह जी ने, शेठ चुगनचंद जी ने जिस नोखा की नींव की ईंट रखी थी, वो नोखा आज किस हाल में है, नोखा की आवाम से, माताओं बहनों से, नौजवानों से, 36 बिरादरी के परिवार से पूछ के आना। सिद्धि कुमारी जी, हम नोखा के लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सिद्धि जी आप आए, हमने तो एक सिद्धि कुमारी को बुलाया था, सिद्धि कुमारी जी साथ में कजन मौसी जी जिनका नाम भी सिद्धि कुमारी जी है वो भी आई है, दो दो सिद्धि आई है, दोनों हाथों से जोरदार तालियों से सिद्धि दोनों का स्वागत। इस मौके पर हमारे मंच की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ समाज सेवी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय झंवरमल बरोठी जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। इस मंच पर हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय ताराचंद जी सारस्वत, जो स्वयं डूंगरगढ़ से, श्री डूंगरगढ़ से चुनाव लड़े और अभी नगर पालिका देश जो नोखा डूंगरगढ़ में चुनाव है, पूरे जिले का जो नेतृत्व करते हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं, उनको आगे डूंगरगढ़ में सभाएं संबोधित करनी है, वो निकल गए, उनका बहुत बहुत तालियों से हम इस्तकबाल करते हैं। मंच पर नारायण चोपड़ा जी विराजमान है जो बीकानेर के मेयर रहे हैं, बीकानेर इतना बड़ा हमारा शहर, डिवीजन हेडक्वार्टर उसके मेयर के रूप में 5 साल सेवा की है, जोरदार तालियों से स्वागत चोपड़ा जी का। और ये जो नौजवान साथी बैठे हैं ना, जिनका नाम महावीर रांका है, नाम महावीर है और महावीर जैसे काम भी किए हैं यूआईटी चेयरमैन रहते हुए बीकानेर की धरती पर, जिनको बीकानेर की जनता आज भी याद करती है। और नौजवान साथी आत्माराम बैठे हैं जिनको गांव देहात की नोखा पंचायत
भारतीय जनता पार्टी के निशान पे जिता के डायरेक्टर भेजे और आत्माराम की माताजी रामप्यारी देवी को बहुत प्यार दुलार देते हुए नोखा की ग्रामीण जनता ने भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनाया, प्रतिनिधि के रूप में भाई आत्माराम हमारे बीच विराजमान है। मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता, इस शहर के नब्ज को जानने वाले मार्गदर्शक, कुशल नेतृत्वकर्ता श्रीनिवास जी बैठे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। मंच पर हमारे बड़े भाई समाज सेवी जिले के उपाध्यक्ष आजकरण जी भट्टड़ बैठे हैं, उनका भी जोरदार स्वागत। और मंच पर हमारे संयोजक, इस चुनाव के संयोजक पूर्व मंडल अध्यक्ष सूरजमल उपाध्याय जी बैठे हैं, उनका भी जोरदार स्वागत। और हमारे पूर्व अध्यक्ष शंकर जी सोनी विराजमान है, हमारे कुशल संगठनकर्ता, उनका भी जोरदार स्वागत। और हमारे साथी नौजवान भाई महेंद्र जी संचेती बैठे हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, उनका भी जोरदार स्वागत। हमारे ओबीसी के नेता, हमारे बड़े भाई संघर्षशील साथी, जो अभी पार्षद है, दोबारा पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, भाई जगदीश जी भी बैठे हैं भार्गव साहब, उनका भी जोरदार स्वागत। मातृशक्ति में हमारा नेतृत्व करने वाली महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूर्व में सरोज बरोठी जी बैठी है, उनका भी स्वागत। और सुबह सुबह 5 बजे आपको उठा देने वाले, जय श्री राम कहने वाले जगदीश जी मोदी भी बैठे हैं, उनका भी जोरदार स्वागत। पूर्व प्रधान कन्हैयालाल जी बैठे हैं, उनका भी जोरदार स्वागत। और इस मंच पर वो सेनापति बैठे हैं जो अपने अपने वार्ड से अपनी सेना को लेकर आए हैं, उन 45 सेनापतियों को भी बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत साधुवाद, जो अपने वार्ड में कमल खिलाने में लगे हुए हैं। और उनके साथ आई हुई माताओं बहनों का, नौजवानों का, मैं बहुत हृदय की तल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि आप इस परिवर्तन की बयार में 20 वर्षों बाद ये परिवर्तन का संकल्प आपने लिया है, उसके लिए आए हुए सभी महानुभाव हजारों की संख्या में आए, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मेरी माताएं बहने हमारा नेतृत्व करते हुए आई है, अपनी बेटी, अपनी राजकुमारी सिद्धि को सुनने आई है, इसलिए आपके और सिद्धि कुमारी जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन चुनाव नोखा का है, इसलिए नोखा की पूरी चर्चा करेंगे, पूरी बात करेंगे। और नोखा में माताओं बहनों ने जो बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करती है, उन बातों पर भी विचार करेंगे, उन बातों को पूरा करने का काम भी करेंगे। मैं नोखा की चौपाल में बैठी इन सैकड़ों माताओं बहनों से, हजारों नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, इस पूरे सम्मानित मन से कहना चाहूंगा कि आपने आशीर्वाद दिया, आपने ताकत दी, तो राजस्थान की विधानसभा में एक किसान के बेटे के खेत खलियान से आए हुए किसान के बेटे को सिद्धि कुमारी जी के साथ विधानसभा में बिठाने का काम किया, इस नोखा की जनता का मैं हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आपने जिस उम्मीद के साथ अपने भाई को, अपने बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा, आपने विधायक तो 70 सालों में हर 5 वर्ष बाद हम नोखा से जयपुर की विधानसभा में भेजते हैं, 7.5 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपने विधायक बना के भेजा, थोड़े से अंतर से राजस्थान में हमारी सरकार बनने से रह गई, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रह गई, मात्र पूरे प्रदेश में 1.5 लाख वोटों से 0.5% के अंतर से, लेकिन सरकार भले ही हमारी नहीं हो, आपके बेटे की बुलंद आवाज राजस्थान की विधानसभा में गूंजती है, आपके हक और हकूक की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में करते हैं और वादा करते हैं, राज की चिंता को बुजदिल किया करते हैं, कमजोर किया करते हैं, आपकी ताकत ने हमें वो हौसला दिया है कि राजस्थान में भले ही सरकार हमारी ना हो, लेकिन जिन लोगों की सरकार रही, जो विधायक रहे, मंत्री और बड़े बड़े होते रहे, उनसे 4 गुना, उनसे कई गुना काम 5 साल में नोखा की धरती पे आपके बीच में करके बताएंगे। आदरणीय बंधुओं, आप सब अपनी स्थानीय सरकार को चुनने आए, और इस शहर में ऐसी अनेकों समस्याएं हैं, ऐसी बहुत सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनका हम अभी भी पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय बंधुओं, जब शेर सुगंजन जी पारक से मंत्रणा करके महाराजा गंगा सिंह जी ने इस नौका की नींव रखी 93 साल पहले, तो अपने फ्रांसीसी इंजीनियर मैकेंजी से, और उस मैकेंजी ने, फ्रांसीसी इंजीनियर ने आयरन ग्रिड पैटर्न पे नौका को बसाने का काम किया, और नौका की चौड़ी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री के कोण पे काटती हुई सड़कें,
इतना सुंदर नौखा बसाया, आज वो नौखा, उस नौखा में तो मुश्किल से 15-20% ही आबादी रहती है, जो इन 50 वर्षों में या पिछले 20-30 वर्षों में जिन लोगों के पास नौखा बसाने की जिम्मेदारी थी उन्होंने नौखा बसाया। वो नौखा है मोहनपुरा, वो नौखा है जोरावरपुरा, वो नौका है उगमपुरा, वो नौका है कानपुरा। उनकी हालत जाके देखिएगा, और उन वार्डों से हजारों की तादाद में नौजवान आया है। जब बरसात के महीनों में घुटनों घुटनों पानी भर जाता है, जब बरसात के महीनों में माताओं बहनों के चूल्हे चौके पे सीवरेज का पानी भर जाता है, गंदगी भर जाती है, क्या बीतती है उन लोगों पे जब रात को मच्छर बड़े बड़े डंक मारते हैं और बदबू सोने नहीं देती। ऐसी यंत्रणा झेल रहे शहर में विकास का दंभ भरने वाले लोग जो 20 वर्षों से अलग अलग चश्मा पहन के आते हैं, अलग अलग कलेवर में आते हैं, कभी कांग्रेस का निशान लेके आते हैं, कभी विकास का बात करने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस की घड़ी लेके आते हैं, नाम विकास मंच रखते हैं, ये कागज उठा के देखिएगा, जो लोग 2 साल पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े विधानसभा का बीकानेर जाके, और इसी मंच पे जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़े नौखा से, वो दोनों कैसे काका भतीजा बन के गले मिल रहे थे भाई, ऐसे मिल रहे थे इस जैन चौक की धरती पर जैसे कोई कुंभ में काका भतीजा 12 बरस खो गए पहले और आज भरत मिलाप हो रहा है। आदरणीय बंधुओं, अब वो काका तो कह रहा है कि हम तो मिले ही नहीं, भतीजा कह रहा है इनका तो विलय हो गया, और ये राष्ट्रवादी की घड़ी मुंबई से लेके आए शरद पवार से। अब बताओ भैया, इतने लोग बैठे हो, माताएं बहनें बैठी है, एक भी आदमी के हाथ में घड़ी है क्या? घड़ी का जमाना गया ना, अब तो सबके हाथों में मोबाइल है, डिजिटल मोबाइल है, घड़ी का जमाना चला गया। ये टिक टिक बंद होनी चाहिए, और विकास का सूत्रपात अगर कोई कर सकता है तो राष्ट्रीय पार्टी का विचार, जिसका नेतृत्व तो देश में नरेंद्र भाई मोदी कर रहे, जो विकास की नई नई इबारत लिख रहे, उस पार्टी का बोर्ड बनाने का काम करिएगा। आपका विधायक बिना सरकार के राजस्थान की विधानसभा में आपके हक की लड़ाई लड़ता है, आपके विधायक को यहाँ स्थानीय सरकार बन जाए तो ताकत मिलेगी। गाँव की सरकार में हमने अपना प्रधान बना लिया, हमारी नगर पालिका बन गई तो मुझे ताकत मिलेगी, मुझे आपकी सेवा करनी है। किसी को तो पद चाहिए होता होगा अपना व्यापार करने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए। जैसे श्रीनिवास जी कह रहे थे कि नगर पालिका में कॉलोनियां जो कटी, वो कॉलोनियां कुछ 2 कॉलोनियां सरकारी कॉलोनियां कटी नगर पालिका के इनके कार्यकाल में, जहां जनता को बसाया गया, और बाकी 2 कॉलोनियां उनके कार्यकाल में उन्होंने काटी, वहां पैसा बनाया गया, वह पैसा बनाएगा। इसलिए आपको तुलना करनी होगी, कौन आपकी चिंता करता है। आज जो कल इस मन से कह रहे थे कि हम नौखा में अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खोलेंगे, भैया ये कांग्रेस की तुम्हारी सरकार नौखा की गलियों से निकलते ही तुम डिजायर लिखते हो कांग्रेस के लेटर हेड पे, कहते हो कांग्रेस के हैं, अधिकारियों को उस नाम पे डराते हो। आज हमारे कार्यकर्ता ने RTI मांग ली तो अधिकारियों को देने नहीं दी, कि जब ये मंच पे थे NCP से चुनाव लड़े, सब पर्चे भरे और NCP का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम उनके कहीं बोर्ड पे नहीं था, सिर्फ घड़ी थी। ये नाम कांग्रेस के नाम से भी बचना चाहते हैं, और कांग्रेस के नाम पे अधिकारियों को डराना भी चाहते हैं। इसलिए कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं, ये कांग्रेस ही है जो हमारे सामने चुनाव लड़ रही है, और इनका जो बड़ा नेता है, जो प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा, जो बीकानेर का प्रभारी मंत्री है, उनका बड़ा स्टेटमेंट आपने बड़े अखबार में पढ़ा होगा कि नौखा में हम कांग्रेस का निशान नहीं दे रहे, ये हमारी रणनीति है। और जब ये जनता को फिर से मूर्ख बना के हम मंच के प्रपंच में जनता को लाके भ्रम में डाल के अपना बहुमत के नजदीक पहुंच जाएंगे, तो 7 तारीख को जो चुनाव लड़ेंगे वो कांग्रेस के निशान से लड़ेंगे, तब जनता के हाथों में कुछ नहीं रहेगा, वो जनता अपनी ताकत दे चुकी होगी, ये इनकी रणनीति है। ऐसी रणनीति को मैं पूछना चाहता हूं, नौखा की 36 बिरादरी का परिवार किसी भी सूरत में पूरी नहीं होते कि धोने देगा, इनके मंसूबों पे हम पानी फेर देंगे। नौखा बार बार भ्रम में नहीं आएगा, इस बार विकास असली मायने में जो करने वाले लोग हैं,
जो नरेंद्र मोदी की सीढ़ी से देश से होता हुआ इस चौपाल तक आना चाहिए। जो भी योजनाएं केंद्र की है, अभी जिक्र किया माताओं बहनों तक घर घर चूल्हा पहुंचाने का, नरेंद्र मोदी की सरकार ने घर घर तक स्वच्छता मिशन में शौचालय बनाने का, नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास से घर घर तक पक्का घर देने का, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अन्नपूर्णा योजना वसुंधरा जी की सरकार में जो 2 साल इन्होंने बंद कर दी, अब इंदिरा रसोई के नाम से लाए हैं। कोई सी भी रसोई हो उसको सही तरीके से चलाने का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बोर्ड कर सकता है। इसलिए आपसे आह्वान करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाइएगा और ये जो लोग जनता को हम जनार्दन मानते हैं, ये तो जनता के साथ फरेब करना चाहते हैं। हम जनता को जनार्दन मानते हैं, भगवान अगर कहीं बसता है तो जनता के अंदर बसता है, ये कहीं भ्रम फैलाने की सोच रहे होंगे, लेकिन जनता की आंखों में, इन माताओं बहनों की आंखों में, जब ये सर्दियों में भी पानी के लिए तरसती है, सर्दियों में भी नल में पानी नहीं आता है, और जो नगर पालिका अपने मंत्री रहते हुए लोग पीएचडी के अंडर में ले आए नगर पालिका को, जो 40 ट्यूबवेल में शहर की प्यास बुझती थी, आज 65 ट्यूबवेल में भी शहर की प्यास सर्दियों में नहीं बुझती है, तो आप कल्पना कर लीजिए, जो वसुंधरा जी की सरकार थी तब नागौर नौका की धरती से पानी गया था 2008 तक, आपने देखा हमने देखा, और 8 में जब हमने मांग की 8 से पहले कि नौका को भी पानी मिलना चाहिए, तो वसुंधरा जी ने नौका के हिस्से का 5.6 MLD मिलियन लीटर ड्रम वाटर नौका के हिस्से का नौका दैया से लाके देश नौक में रिजर्व कर दिया था 2008 में। और जब 8 में सरकार बदल गई, ये विधायक बने, संसदीय सचिव बने, और अशोक गहलोत की लापत सरकार, बिना बहुमत की सरकार इनके कंधों में चल रही थी, तो चाहते तो पहले ही साल नौका में वो योजना जो वसुंधरा जी ने बना दी थी वो मिल जाती, लेकिन 5 साल उस योजना का जिक्र तक नहीं किया। और उसके बाद जब 13 का चुनाव आया तो षड्यंत्र से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो आपके बीच संघर्ष कर रहा था, उसके टिकट कटाने में भी बड़े मेहनत की, और जब जनता ने नकार दिया और उनके भतीजे जब राजस्थान की विधानसभा में पहुंच गए और नेता प्रतिनिधि से बड़े होते पर रहे, तब भी नौका की इस महत्वपूर्ण मांग पे कोई बात राजस्थान की विधानसभा में नहीं हुई। आप राजस्थान की विधानसभा का पोर्टल पे एक क्लिक मार के देखिएगा, मुझसे पहले 70 सवाल जो लोग विधायक रहे, आपके आशीर्वाद से 2 साल में मुझे विधायक बने, 2 सालों में अशोक गहलोत विधानसभा बुलाने से डरता है, आपके बेटे से राजस्थान की विधानसभा में सरकार डरती है कि ये आपका विधायक जब जनता से सवाल, जनता के सवाल विधानसभा में करेगा तो राजस्थान की विधानसभा में सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, किसान की लड़ाई के लिए टिड्डी का टोकरा लेके विधानसभा में चला जाएगा तो राजस्थान की सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, नौका के हक का पानी मांगने की बात करेगा तो राजस्थान की सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। मात्र 35 दिन विधानसभा चली है 2 सालों में, और 35 दिन में नौका के आह्वान के हक की बात हमने इतने बुलंद तरीके से रखी है कि आप एक क्लिक मारिएगा, आपके बेटे के जो बात विधानसभा की वो आ जाएगी, और 70 सालों के पीछे का इतिहास भी आ जाएगा, उन 70 सालों पे आपके 2 साल के 35 दिन कई गुना भारी पड़ेंगे। इसलिए आपसे आज वादा करता हूं, मेरी पार्टी की सरकार भले ही ना हो, आपकी पार्टी की सरकार राजस्थान में भले ही ना हो, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री जब विधानसभा में और सचिवालय में आपके बेटे के सामने रूबरू होता है तो खुद चला के नहर के पानी की बात करता है, खुद चला के अशोक गहलोत नहर के पानी की बात करता है, और जब मुकाम में आपकी धरती पर मुख्यमंत्री को हम लेके आए और लाखों लोगों के सामने इस बात को रखा तो उन्होंने 3 दिन बाद आपकी ताकत का अंदाजा लगाइए, इस धरती की तप का अंदाजा लगाइए, मात्र शक्ति अपनी ताकत का पहचान के बताइए, 3 दिनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री को विधानसभा में कहना पड़ा नौका को नहर का पानी देने का काम हम करेंगे, वो योजना चाहे 700 करोड़ की हो चाहे 800 करोड़ की हो, क्योंकि हमने डाणियों को भी शामिल कर दिया है। लेकिन इससे पहले हमने 2018 में, अगस्त 18 में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, तो नौका शहर के लिए अलग से पानी की व्यवस्था हो, देश नौक से नौका का पानी आए, 99 करोड़ की योजना और 54 करोड़ का सीवरेज सिस्टम
एसडीपी जो विकास पुरुष के नाम पे इन्होंने रोड़े खोद के पाइप डाल दिए। अब मुझे बता दो नोखा के नागरिकों, माताओं बहनों ये बता दो कि जब हमने गांव से आए यहाँ घर बनाया, अपने बच्चों को छत देने का काम किया, एक एक ईंट जोड़ने का काम किया, तो हम घर में जब घर बना रहे थे तो हमने एक कुआ घर में बनाया था ताकि बाथरूम का पानी उसमें जा सके, चाहे हमारे उसका वेस्टर्न का वो लेटरिन का वो भी उसमें मलबा जा सके, हमने व्यवस्था की थी। लेकिन इन्होंने बिना सोचे समझे उस पानी का डिस्चार्ज क्या होगा, ट्रीटमेंट की व्यवस्था किए बिना, ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था किए बिना पूरे शहर को खोद के विकास पुरुष की छवि बनाने के लिए, क्योंकि 2018 था, चुनाव लड़ना था, और पूरे शहर को खोद के सीवर लाइन डाल दी। हमने पूरी तालियां बजाई कि विकास पुरुष आया है और शहर को खोद वाला पाइप लाइन डाल दी। ये नहीं सोचा कि जब ये पाइप लाइन भर जाएगी तो क्या हाल होगा शहर का। उन लोगों ने ऐसा मूर्ख बनाया शहर को और इतना बड़ा अपराध इस शहर के साथ कर दिया कि जब ये हकीकत सामने आई तो जोरावरपुरा के 5 वार्डों में घरों में चूल्हों तक पानी भर जाता है गंदगी का, कानपुरा के 4 वार्डों में घरों तक घुटने घुटने पानी हो जाता है। और ये हमारी वाल्मीकि बस्ती, ये वाल्मीकि बस्ती क्या नगर पालिका की इन वाल्मीकि भाइयों के बिना, माताओं बहनों के बिना हम कल्पना कर सकते हैं? इनके बिना हम सफाई की कल्पना कर सकते हैं? इनके खदानों में वो पानी डाला जा रहा है जो दलित भाइयों की बस्तियां 3-4 वार्ड है थाने के पीछे, हाईकोर्ट की रोक के बावजूद उनके अंदर खदानों में पानी डाला जा रहा है। दर्जनों घर जमींदोज हो गए, दर्जनों लोग काल के ग्रास बन गए, उनके घरों पे उनकी जिंदगी पे तलवार लटकी रहती है, उसका दोषी कौन है? मैं पूछता हूं उसका दोषी कौन है, कौन जिम्मेदार है? क्या कोई भी कॉलोनी करती है, नगर पालिका नक्शा पास करती है, नगर पालिका में किसकी जिम्मेदारी थी? कोई भी हम घर बनाते हैं अपने प्लॉट में, नक्शा नगर पालिका से पास कराते हैं, नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है? ऐसा तो नहीं कि जो नगर पालिका में 20 वर्षों से बैठे हैं उनको कॉलोनिया काटनी नहीं आती? अगर कॉलोनिया काटनी नहीं आती तो तिरुपति नगर द्वारका इतनी सुंदर कैसे बनती भाई, बताइए कैसे बनती? इसलिए इसके चाल चरित्र को समझना होगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाना होगा। जनता जनार्दन हमारे मन में बसती है, आप भगवान हो हमारे, आपके सेवक के रूप में काम करने का हम मौका चाहते हैं। और मन मंदिर में बसे हुए भगवान ये कहते हैं हम तो विकास पे बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हमारे सामने जो मंच के प्रबंध वाले लोग तो कहा करते थे कि भाजपा वाले तो राम मंदिर की बात करते हैं। अरे भैया भाजपा वाले मंदिर की बात करेंगे, अपने स्वाभिमान की बात करेंगे, अपना आराध्य देव राम के मंदिर की बात करेंगे, पूरा सनातन धर्म राम के मंदिर की बात करेगा, जो 500 सालों से हमारी इच्छा थी, 500 सालों से जो हमारी लड़ाई लड़ी जा रही थी, हमारे पुरखे जिस बात को लड़ते हुए शहीद हो गए, कार सेवा में हम पैदल जाके हमने गोलियां खाई है, हमारे कोठारी बंधु बीकानेर के शहीद हो गए, अगर हम हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे आत्मगौरव की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? ये लोग जो कहा करते थे कि भाजपा वाले चुनाव के मौके पर आएंगे और कहेंगे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, कहते थे ना। अब नरेंद्र मोदी को आपने दिल्ली में बिठाया और उन्होंने लगातार सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि रोज डे टू डे सुनवाई होगी, फैसला हुआ, 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, जो शहीद हो गए उनकी आत्मा को शांति मिली, हमारा आत्मगौरव, हमारा स्वाभिमान, भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, मंदिर बन रहा है, और ये जो लोग सामने हमारे लड़ रहे हैं ये मंदिर पे हमें कटघरे में खड़े करने वाले, हम कभी मंदिर पे राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन हमारे आत्मगौरव की, हमारे सनातन धर्म के मान सम्मान की लड़ाई के लड़ने के लिए हमें कितना ही संघर्ष करना पड़ेगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगेगा। हमारे रोम रोम में राष्ट्रवाद है और इनके तो नाम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, हमारे तो रोम रोम में राष्ट्रवाद है, कहां तुलना है हमारे की? ये कांग्रेस की नेता जो रोम से आई है, इटली से आने वाली सोनिया गांधी और उनके ये नेता जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमें सिखाएंगे? इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम तो वही नहीं। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, माताओं बहनों जिस राम की आप रात दिन पूजा करती हो, जिस राम से अपने बेटों के लिए आशीर्वाद मांगती हो, उनके लिए कांग्रेस की सोनिया गांधी की कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम तो हुए ही नहीं। अरे रोम से आने वाली सोनिया गांधी हमें बताएगी, हमारे तो रोम रोम में राम है कि
कि राम हुए कि नहीं, वो राम साबित हो गए, राम का मंदिर बन रहा है। और ये मंदिर पे कटघरे में खड़े करने वाले नोखा में लोग, सामने भी मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है, सामने जैन मंदिर है। हम कहां बैठे हैं, जैन चौक में बैठे हैं। और जैन मंदिर में भी जो निर्माण का काम इस तरह का चला, तो एक इस तरह का डिस्प्यूट पैदा किया गया। मेरे पास भी जैन समाज के बंधुओं के फोन आए कि कन्हैयालाल जी और ये चेयरमैन साहब आए हैं, आप भी आओ, इस बात को सुनो। मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि उनको तो मंदिरों में कुछ करना होगा, मंदिरों के कुछ इस तरह के झगड़े में कुछ फायदा दिखता होगा, लेकिन मैं जैन समाज का ऋणी हूँ, जैन समाज मेरे नौखा का गौरव है, जैन समाज दुनिया दिशाओं में, दूर उत्तर पूर्व पश्चिम में, चारों दिशाओं में, देश के कोने कोने में अपनी मेहनत से, लगन से, मेहनत से व्यापार करता है, उस प्रदेश का भी भला करता है, मेरे नौखा का भी भला करता है, चैरिटी के धर्मार्थ करने को काम करता है। उस समाज के आंतरिक मसले में भारतीय जनता पार्टी कोई टांग नहीं अड़ाएगी, हम विधायक के रूप में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये समाज का आंतरिक मसला है, समाज सक्षम है, समाज अपने स्तर पे निपटाएगा, हम इन झगड़ों में पड़ने वाले नहीं है। एक सेवक के रूप में जिस तरह राम सेतु बनाने में गिलेरी ने अपना योगदान दिया, उस तरह अगर विधायक का कोई योगदान होता है तो हम सहर्ष हाजिर है। इन सारी बातों से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कौन किस तरह की राजनीति करता है, कौन सकारात्मक राजनीति करता है, कौन नकारात्मक राजनीति करता है। इन बातों को समझना होगा। आपका बेटा, आपका विधायक आपसे अपील करता है, ए मेरे भगवान, मेरी माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, आप भगवान हो हमारे लिए, इस नौखा का सम सांस दम घुट रहा है, इस नौखा का, ये नौखा जिस सपनों के साथ महाराजा गंगा सिंह जी ने, शेख सुगंध सिंह जी भारत ने बसाया, वो नौखा की सांसें फूल रही है। दुनिया की कोरोना के वजह से सांसें फूली थी, लेकिन नौखा की सांसें इनके कारनामों की वजह से फूल रही है। इसे इस नौखा की सांसों को बचाना है, इस नौखा की सांसों की टूटती हुई डोर को बचाना है। तो आपको भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत का बोर्ड बना देना, आपके बेटे को कोई जमीनों का व्यापार नहीं करना, आपके बेटे को किसी तरह का कोई व्यापार धन नहीं कमाना, आपके बेटे को आपकी सेवा करनी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड का जो भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेगा, कमल के निशान में जो सिपाही आपके सामने 7-8 तारीख को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेगा, उसको कदम कदम पर आपके हित में चलाने का, नौखा के हित में चलाने का काम आपका बेटा विधायक रूप में करेगा। आपको कभी भी किसी तरह के ओड़बे की गुंजाइश नहीं रहेगी। और मैं आपके सामने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं ये जो विकास की बातें अपने बोर्ड पे नाम लिखते हैं, विकास, नौखा का विकास क्या होगा, नौखा की बातें किस तरह होगी, इन सारी बातों को मैं आपके बीच में करना चाहूंगा। 5 मिनट के समय में हम नौखा कैसा बनाना चाहते हैं, हम नौखा जिन्होंने इन्होंने बनाया है, जिसमें नौखा की 80% आबादी रहती है, उस नौखा को भी देखा है आपने। और मैं आज उस महापुरुष की पोती हमारे बीच आई है जो राजमाता साहब को जाके नौखा की हकीकत बताने वाली है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारा बोर्ड बना तो ये काम प्राथमिकता से करने का काम करेंगे। शहर को नहर का पानी, नौखा शहर को नहर का पानी। जो अगस्त 18 में वसुंधरा जी की सरकार ने योजना बना दी, RU IDP 4th में इसको नौखा को शामिल कर लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 154 करोड़ रुपए मिलने थे, अगस्त में कलेक्टर लेवल कमेटी में अनुमोदन हो गया, उसमें निवर्तमान चेयर मेंबर थे, इन्होंने साइन किए अगस्त 18 में, और 1.5 महीने बाद चुनाव में सरकार बदल गई। 2 साल से कांग्रेस की सरकार है। मैं उन चेयरमैन साहब का भाषण अभी थोड़े दिन पहले सुन रहा था, वो कह रहे थे 2 साल से भाजपा सरकार ने हमें जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दी। अब भाई बता दो, 2 साल से राजस्थान में सरकार किसकी है, किसकी है, वो किसके हैं, कांग्रेस किसकी है, उनकी। इसलिए 2 साल किसने रोका भाई, इन बातों को समझना होगा। आपका बेटा 5 तारीख को राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की सरकार ने इन निकाय चुनावों की घोषणा की, 7 तारीख को नौखा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, 8 तारीख को राजस्थान की विधानसभा की कमेटी की मीटिंग में गया, राजस्थान के बड़े बड़े अधिकारियों को, यहाँ तो ईओ के पीछे नाचते हैं ये लोग, राजस्थान की कमेटी के सामने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर DLB, बड़े बड़े 1 दर्जन IAS अधिकारियों को बिठा के पूछा कि मेरे नौखा की इस योजना का क्या किया भैया,
उन्होंने कहा नोखा नगर पालिका ने 2 साल में जमीन देने में देर कर दी, इसलिए RU IDP फोर्स से नोखा वंचित रह गया। जिन 14 शहरों ने समय पर जमीन दे दी उनको इस योजना में शामिल कर लिया। मैंने उनसे नोखा के हित के लिए बात की, झगड़ा किया, तो उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त तक हम नोखा को भी शामिल करेंगे। और मैं वादा करता हूं आपसे, नागौर से, देशनोक से नहर का पानी शहर को और सीवरेज के 2 ट्रीटमेंट प्लांट और 1 पंपिंग स्टेशन 154 करोड़ रुपए ADB से भारत सरकार से लेके आऊंगा और अगस्त तक टेंडर करा के आपका काम शुरू कर दूंगा। और ये वसुंधरा जी को इस मौके पे धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे नोखा की तरफ से। अगर 2008 में हमारे हिस्से का 5.6 MLD पानी देशनोक में लाके वो रिजर्व नहीं करती तो आज हम नहर के पानी की बात बात करते, सपना हमारा कभी पूरा नहीं होता। क्योंकि वो पानी अगर रिजर्व वसुंधरा जी नहीं करती तो ना नोमन तेल होता ना राधा नाचती हुई। इसलिए उनका भी धन्यवाद। और अगस्त तक आपके टेंडर प्रक्रिया होके साल में पूरा कर लेंगे और कस्बे के हर नागरिक को पीने का साफ और पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए वर्तमान में चल रही जल वितरण व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक परिवार को आवश्यकता के लिहाज से पानी की 24 घंटे सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नोखा का जल वितरण सिस्टम नए सिरे से तैयार किया जाएगा। और ये जो PhD का अपने अंडर में ले लिया ना कि भी पानी भी हम पूछ के पिलाएंगे, किसको पिलाना है किसको नहीं पिलाना वो भी ये तय करेंगे। इस PhD का ये प्रयोग बुरी तरह फेल हुआ है, इस महकमे को वापस वाटर वर्क्स में डाल के नोखा की प्यास बुझाने का काम करें। देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी बैठे हैं और किसानों का बड़ा ख्याल रखते हैं और हमें आपके व्यापारी बंधुओं से जो आप जो नोखा NRN नॉन रेजिडेंट नोखा जो मेरे भाई जैन समाज, मैसूर समाज, सुतार समाज, 36 बिरादरी के लोग जो दिशाओं में व्यापार करते हैं उनसे भी उनके भी ये काम करने वाले हैं कि कृषि उपज मंडी नोखा मोट की सबसे बड़ी मंडी है, इस कुल की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ एक एग्रो फूड पार्क बनाने का काम करेंगे। एक एग्रो फूड पार्क और एक स्पाइस पार्क, इन दोनों उद्योगों को मिला के एक नए इंडस्ट्रियल एरिया की निर्माण की बात करेंगे जहाँ हमारे जो बाहर कमाने वाले भाई भी उद्यमी भी उद्योग लगा सके, हमारे स्थानीय लोग भी लगा सके, सैकड़ों लोगों को नौजवानों को रोजगार मिले। राजकीय चिकित्सालय में बरसों से लंबी मार ट्रोमा सेंटर को हम स्वीकृत करा चुके हैं और दानदाताओं ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है, सरकार को तकमीना नक्शा भेज दिया है और नोखा के अस्पताल में बरसों पुरानी मार ट्रोमा सेंटर इस साल में बनाने का पूरा काम हो जाएगा, ये नोखा को सौगात मिलेगी। और इसके अलावा भी हमारी अस्पताल को सुधारने के लिए, अस्पताल का विस्तार करने के लिए और डॉक्टरों के स्टाफ के नए क्वार्टर बनाने के लिए हमने पूरा खाका बना लिया है और वो भी पूरा अभियान आने वाले हमारे नगर पालिका के बोर्ड में हम करने का काम करेंगे। नोखा शहर के मुख्य 4 हिस्से उगमपुरा, मोहनपुरा, जोरावरपुरा, कानपुरा, उनमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, छोटे छोटे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करेंगे ताकि आपको इस अस्पताल तक आना ना पड़े, छोटी मोटी बात के लिए इस अस्पताल पर भारी दबाव ना पड़े। और ये जो अभी विकास मंच विकास पुरुष कहते हैं कि हमने PhD में सब्जी मंडी खोल दी, अरे PhD को तुमने नगर पालिका के अंडर लेके पानी का सत्यानाश कर दिया। और सब्जी वाले जो स्ट्रीट वेंडर जिनके पीछे नगर पालिका के लोग दौड़ा करते थे, उनके 4 टायर है वो आगे भागते थे, नगर पालिका और पुलिस पीछे भागती थी, सब्जियां बिखर जाती थी, उनके रोड चूल्हे पे संकट आ गया था। विधानसभा चल रही थी, मुझे फोन आया कि इस तरह नगर पालिका हमें रोज की हमारे बच्चों की रोजी रोटी कमाने में परेशानी पैदा कर रही है। राजस्थान की चलती विधानसभा में सरकार से सवाल पूछा कि नगर पालिका को पाबंद करिए, जो व्यक्ति सुबह निकलता है घर से इस उम्मीद में निकलता है कि शाम को मेरे बच्चों के लिए रोटी लेके जाऊंगा, कुछ पैसे कमा के ले जाऊंगा, अपना दिन का रोजगार करता है, उसके पीछे नगर पालिका क्यों पड़ी है। सरकार का डंडा चला नगर पालिका नोखा पे कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर को अपनी रोजी रोटी कमाने से नगर पालिका रोक नहीं सकती। और जब ये हुआ और इन हमारे दैनिक मजदूरी करने वाले गाड़ा भाड़ी इन सब्जी वाले भाइयों को जब ताकत मिली तो इन्होंने नया षड्यंत्र रचा कि कल कह रहे थे हमने BD गल्ला जी से बात की है कि BD गल्ला जी ये हमें जगह दे दो नगर पालिका में, इसमें पानी वाले वाटर बक्स में PhD में हम सब्जी वालों के सब गाड़ों को इसमें डाल देते हैं। अरे भाई गल्ला जी से तुम्हें कुछ मांगना था तो पानी के मंत्री है, पानी बिजली के मंत्री है, तुम नोखा के लिए पानी मांगते
बीडी कल्ला जी मंत्री अनोखा के लिए पानी मांगते, बिजली के मंत्री है तुम्हारे नगर पालिका पे 15 से लेकर 20 करोड़ बिजली का बकाया है, जिस दिन कनेक्शन काट दिया एक बूंद पानी शहर में नहीं आएगा। कल्ला जी को कहते हैं बिजली का बिल भरो, तुम इन गाड़े वालों की पेट पे लात क्यों मार रहे हो, ये रोजी रोटी वार्डो में घूम घूम के कमा रहे थे, इनको एक बाड़े में बंद कर दिया, वो खून के आंसू रो रहे हैं कि कोई आता नहीं, एक जगह शहर में कौन आए, उनकी रोजी रोटी को संकट में डाल दिया, उसका प्रबंध भी हम करेंगे। सुसज्जित अत्याधुनिक होलसेल सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कोल्ड चेन मेंटेन करने की व्यवस्था भी होगी, और खुदरा सब्जी मंडी के लिए पूरे शहर के चारों कोनों में चार जगह उचित व्यवस्था की जाएगी, चार जोन में बांटा जाएगा, इस समस्या के लिए ये सारे उपाय किया जाएंगे। नोखा बाईपास बन रहा है ना, देखा क्या आपने, डागोर से बीकानेर तक की रोड 108 किलोमीटर की बन रही है ना, देखी क्या आपने, वो रोड बीच में अटक गई थी, 27% काम भी पूरा नहीं हुआ था, बरसों अटकी रही, आपने दिसंबर 18 में विधायक बनाया, जनवरी 19 में राजस्थान का आपका विधायक आपका बेटा दिल्ली की सरकार से गडकरी जी से मनसुख भाई मांडविया राज्य मंत्री सरफेस ट्रांसपोर्ट से मिलके, और 10 महीने जरूर लगे उस फेल हो चुकी कंपनी को और उसको सपोर्ट करने वाली बैंकों को भारत सरकार से 108 करोड़ रुपए दिला के रवाना किया, 370 करोड़ रुपए भारत सरकार से नए लेके नई कंपनी को टेंडर दिलवाया, और आपका बाईपास रापी रोड बन रही है और बाईपास लगभग बन के तैयार है, एक साल में 108 किलोमीटर की नागौर बीकानेर की रोड बन जाएगी, और छिल्लो अड़ाई पलाना देशनोक चार फाटक में क्या बनेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे, आपको फाटक पे रुकना नहीं पड़ेगा, आपका नागौर से नोखा तक का सफर 40 मिनट का कम हो जाएगा, और बाईपास बन रहा है तो आपको शहर में से भारी ट्रैफिक नहीं जाएगा, आपकी दुर्घटना आपका नुकसान नहीं होगा, ये काम बड़ा महत्वपूर्ण काम तेज गति से चल रहा है। अब इसमें भी राजनीति, जब ये लड़ाई हम लड़ रहे थे तो ये विकास मंच के भाई SDM के आगे धरना लगा के बैठे कि शहर के बीच में से 14.6 किलोमीटर रोड जा रही है, ये NH का हिस्सा है, ये टूटी फूटी है, इसके लिए अब धरना लगा रहे हैं। अरे भैया, जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक अपनी केंद्र की सरकार से लड़ाई लड़ रहा है, 108 किलोमीटर की लड़ाई लड़ रहा है, तो 108 किलोमीटर में ये 14 किलोमीटर शामिल है, और जब 500 करोड़ के लगभग भारत सरकार से ले रहे हैं तो ये 8 करोड़ भी उसमें आएंगे, दावड़े के बड़ो फूंदियो रंगी जा जानो नहीं है, तो जब ये काम होने वाला है तो फिर ये तो धरना किस बात का लगा रहे हो, और दो दिन में उठ के जा रहे हो, बन गई रोड कि एस्टीमेट आ गया, अरे भैया एस्टीमेट तो तुम राज के लोगों घर बैठे मंगा लेते, इस बात को समझना होगा, वो बड़ा काम आपका हो रहा है और बाईपास जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा। हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो हमारी बस्तियां हैं, दलित बस्तियां, गरीब बस्तियां हैं, उनमें प्रधानमंत्री आवास जरूरतमंद को, और बाईपास बन जाएगा तो ट्रांसपोर्ट नगर भी बाहर शिफ्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट नगर का विकास भी करेंगे, सैकड़ों लोगों को नौजवानों को रोजगार देने का काम भी करेंगे। शहर में जो सांसी बस्ती से बहने माताएं आई हुई है, बुजुर्ग आए नौजवान आए हुए हैं, गवारिया बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, इन बस्तियों में सामुदायिक भवन की बरसों से मांग है, 20 बरसों से नगर पालिका में इनके वोट लेते हैं लेकिन उनकी समस्या पे समाधान नहीं होता, इनको भी हम पूरी ताकत से आज भरोसा दिलाते हैं, हमारा बोर्ड इसमें बना तो इन बस्तियों में भी सामुदायिक भवन बनेंगे, इस शहर के दूसरे हिस्सों में जहां भी मांग होगी वहां भवन बनाने का काम करेंगे, इनकी तरह नहीं करेंगे कि 2008 के चुनाव में सांसी समाज के लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे को टेंट देंगे बर्तन देंगे, 8 का चुनाव हो गया 10 का नगर पालिका आता है तो टेंट देंगे बर्तन देंगे, 10 का हो गया 13 का विधानसभा चुनाव आता है तुम्हारे को टेंट देंगे बर्तन देंगे, 13 का चुनाव हो गया 15 का नगर पालिका चुनाव आता है तुम्हारे को टेंट देंगे बर्तन देंगे, और 15 का नगर पालिका हो गया, अब 21 का नगर पालिका आ गया तो वही टेंट और बर्तन दिए जा रहे हैं, अब तक ऐसा नहीं करें। आवास मैंने बात की थाने के पीछे रहने वाले गरीब बस्ती के भाइयों से, जिनके हाईकोर्ट की रोक के बावजूद ये गंदा पानी सीवरेज का उसमें डालते हैं, जमीन खोख लिए घर ढर ढह रहे हैं, माता मैंने दो दर्जन से ज्यादा लोग काल गमित हो गए, नगर पालिका आवास मंडल के सहयोग से 500 से 1000 नए आवास बना के
उन लोगों को पहले वहां स्थापित करेंगे, पुनर्वासित करेंगे, फिर उस जगह को डिमोलिश करके खदानों को तोड़ के उसको समतल करके नया विकास करने का काम करें। ये राजकीय बाबा छोटूनाथ विद्यालय हमारे पड़ोस में है, इसमें राष्ट्रीय स्तर का एक इंडोर आउटडोर गेम्स का स्टेडियम बनाएंगे। ये बना रहे ना अभी स्टेडियम, कहते हैं नगर पालिका के बजट में हम 3 करोड़ लगाएंगे, 6 करोड़ लगेंगे, मोहाली जैसा स्टेडियम बनाएंगे। बना दिया कभी 5-6 साल 10 साल 20 साल से नगर पालिका में बना दिया, अभी तो जमीन से भी नहीं निकले। वादा करते हैं नगर पालिका में बोर्ड बनेगा तो हमारा इस स्कूल में बहुत बड़ा स्टेडियम बनाएंगे। और महाविद्यालय नौका का नौजवान पढ़ता है, सीए बनता है, साइंटिस्ट बनता है और साहित्यकार बनता है, जो भी तीनों विधाएं कॉमर्स आर्ट्स और साइंस, वो भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय नेता महबूब नेता भैरव सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बोला। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, श्रीनिवास जी चेयरमैन थे। अब आपसे वादा करते हैं आप निश्चित तौर पर हमारा बोर्ड बनाएंगे तो महिला गर्ल्स कॉलेज भी नौखा में बनाने का काम करें। नंदी गौशाला भी वसुंधरा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये मेयर साहब बैठे हैं बीकानेर में, गो अभ्यारण्य का वसुंधरा जी का सपना था, उसमें वो प्रयास शुरू भी कर दिए। उन्हीं वसुंधरा जी के कार्यकाल में नंदी गौशाला का प्रोजेक्ट था, उसको ये नगर पालिका ने आधा अधूरा पूरा किया है। वादा करते हैं इस नौका की जमीन पे जैन चौक से खड़े होके कि पूरी गोचर को अतिक्रमण मुक्त करवा के नंदी गौशालों को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे और पूरी गोचर को अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। और नौखा स्थापना करता महाराजा गंगा सिंह जी शेर सुगंध जी पार्क के इस अनूठे योगदान को याद करते हुए पूरा नौखा उनके इस योगदान के लिए हमेशा ताउम्र रेडी रहेगा। इन दोनों महापुरुषों को नौखा में उचित स्थान पे आदमकद मूर्ति लगा के सम्मान देने का काम नौखा की नगर पालिका में हम करें। और नौखा नगर पालिका नौखा में ऑन ड्यूटी कार्यरत रह के हमारे सफाई के जो सेनापति है वो दो भाई, एक मनोज और एक अशोक, पिछले वर्षों में सफाई का काम करते हुए जिंदगी से हाथ धो बैठे, उनको भी उचित सम्मान देते हुए उनकी पुण्यतिथि को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके नाम से पुरस्कार की घोषणा करेंगे। उनकी पुण्यतिथि को हम शहादत दिवस के रूप में मनाएंगे और सफाई में अच्छा काम करने वाले नौजवान कर्मचारी को सम्मानित करने का काम करेंगे। ये जो बात करते हैं ना कि हम अंग्रेजी मीडियम का विद्यालय बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, इन सफाई करने वाले भाइयों की तनख्वाह के पैसे आप समय पर देते नहीं, एरियर का पैसे के लिए इनको धरना लगाना पड़ता है, एक वर्दी साल में देते हो वो आप 3 सालों से इनको देते नहीं, इनका काम भी आप अगर प्रायोरिटी पे नहीं करते तो किस तरह के विकास की बात करते हो। वादा करता हूँ आपके बीच में इन भाइयों की वेतन विसंगतियों को भी दूर करेंगे, नई भर्ती भी करेंगे और साल में एक नहीं सर्दी की ड्रेस अलग गर्मी की ड्रेस अलग देने का काम भी नौखा नगर पालिका करेंगे। और हमारे बड़े नेता बीकानेर के समाजवादी नेता जिसकी प्रदेश और देश में बड़ी पहचान है, जो कुछ समय पहले हमारे बीच से चले गए, आदरणीय बिक्रम चंद्र जी जैन विराजमान होंगे, उनके साथी अभी उनकी अंतिम यात्रा में बिक्रम चंद्र जी जैन और हम थे, बिक्रम चंद्र जी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे, ऐसे हमारे महबूब नेता स्वर्गीय माणक चंद सुराणा जी के नाम पे नौखा में एक रोड का नाम करने का काम कर। और पूर्व दिशा में पटरियों के उस तरफ एक मोक्ष धाम का भी विकास करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा जीवन की यात्रा पूरी करके चला जाता है तो शहर के उस छोर से इस छोर तक आने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए पंचायत समिति आपकी बन चुकी है, प्रधान प्रतिनिधि आत्माराम हमारे बीच बैठे हैं, तो जमीन भी लेके उस पूर्व की दिशा में एक मोक्ष धाम का निर्माण करने का काम भी करें। प्राइवेट बस स्टैंड जो इन्होंने बैरिकेड्स लगा के आगे कर दिया, प्राइवेट बस स्टैंड को पूरा निर्माण करने का, पूरी सुविधाओं से निर्माण करने का काम भी करेंगे। नौखा की मुख्य जगह कटला चौक, लखारा चौक, मरोटी चौक, जैन चौक, तहसील रोड, नवली गेट, सुजानगढ़ रोड, इन सब जगहों पे हजारों लोग गाँव से आते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ स्थानीय लोग हम व्यापार करते हैं, हजारों लोगों की दिन में आवाजाही रहती है, माताओं बहनों पुरुषों की सबकी बुजुर्गों की, लेकिन कहीं भी शौचालय जैसी स्थिति नहीं है, बड़ा शर्मसार होना पड़ता है हमें। इन 7 मुख्य जगहों पर सुलभ शौचालय और स्वच्छ पानी की व्यवस्था करेंगे। और जोरावरपुरा में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनाएंगे ताकि इन नगर पालिका के ये जो 3 करोड़ रुपए फेंकने में आबादा है, कल भी इस स्टेज से कह रहे थे, तो जोरावरपुरा में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनाएंगे
और राजस्थान की सरकार उसको चलाएगी, नगर पालिका पे एक्स्ट्रा बर्डन और खर्चा नहीं आएगा। वन विभाग की जमीन जो कॉलेज के पास हमारी है, वन विभाग की जमीन में जो पेड़ों के लिए शहीद हो गए 363 माँ अमृता के नेतृत्व में, ये मातृशक्ति बैठी है। अमृता भी माँ थी, आप भी माँ है। वादा करते हैं आपकी चौपाल पे कि अमृता देवी वन अमृता देवी के नाम से एक पार्क का और भ्रमण पथ का निर्माण भी नौका कॉलेज के पास वन विभाग की भूमि है उसमें करने का काम करेंगे। कर्मचारियों में सेवान्वित कर्मचारियों के लिए नई कॉलोनी बसाने का काम करेंगे और हमारे को सस्ता सुलभ न्याय मिल सके, एडीजे कोर्ट भी नोखा में स्वीकृत कराने का भरसक प्रयास करेंगे ताकि न्याय के लिए बीकानेर तक ना जाना पड़े। सभी जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना NFSA में जोड़ने का काम करेंगे ताकि बीमारी और दुर्घटना के समय केंद्र की सरकार 5 लाख तक की मदद करती है और इस योजना में कोई नहीं जुड़ा हुआ तो उसको एक पैसा नहीं मिलता, इसलिए इन NFSA में जरूरतमंद को जोड़ने का काम भी नोखा में करेंगे। ये समस्या लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ी आई, इसको भी सुठीक करने का काम करेंगे। ग्रीन नोखा, क्लीन नोखा, सभी चौक चौराहे में हरियाली और सुंदरता हो ऐसा काम करने का काम करेंगे। अपने दृष्टि पत्र को आपके सामने रखा है और वादा करता हूँ विधायक की हैसियत से, कस्टोडियन की हैसियत से आपका बोर्ड निश्चित तौर पर बनेगा, जो भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन पूरा बोर्ड बनेगा कमल के निशान पे बनेगा और उनको इन सारी बातों को पूरी करने में अपने साथ लगा के पूरा करने का हर संभव वादा करता हूँ आपसे और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन कच्ची बस्ती में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों को नियमित करने का काम बरसों से अटका पड़ा है, 20 वर्षों से इन्होंने नहीं किया, सिर्फ अपनी कॉलोनियों का नियमन किया क्योंकि धन कमाना था। जो कच्ची बस्ती और कृषि भूमि पर बनी हुई कॉलोनियां हैं उनको नियमित करने का काम भी हमारा बोर्ड करेगा। 1981 से पूर्व के कब्जे उनको 5 रुपए में पट्टा देने का काम भी हमारा बोर्ड करेगा। ये सारी बातें आपके सामने रखी है और मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सी बातें आपके बीच में हुई, बहुत सी बाकी रही है। ये मैंने प्रेडनरी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी नौका के अस्पतालों को चिन्हित कर लिया है, सरकार के पीछे पड़ा हूँ, हर वो बात करूंगा। आपने सुना होगा टिड्डी का टोकरा एक लेके गया तो उसकी उसका नतीजा क्या निकला कि नौका में एग्रीकल्चर की सारी पोस्टें खाली थी, सरकार को नई भर्ती करने पे मजबूर किया। नोखा में 25 नए नौजवान सुपरवाइजर के रूप में मिले, 4 अधिकारी हमें मिले तो हमारा महकमा मजबूत हो गया। इस तरह एक एक महकमे को मजबूत करने का काम करेंगे। और आज आपके बीच में उस महापुरुष की पोती बेटी आई है, मैंने बहुत दृष्टा कर ली आपके और उनके बीच में लंबा समय ले लिया, लेकिन नोखा के जनता को, छत्तीस बिरादरी के परिवार को विकास क्या होता है ये आपका बेटा बताना चाहता है। अगर वो विकास का दम्भ भरते हैं तो इस मौके पे आप हजारों लोगों के बीच में, अगर उनमें नैतिक साहस है तो अपने बेटे से, आपके विधायक से किसी चौक चौराहे पे आके आपकी उपस्थिति में, इन पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति में विकास पे डिबेट कर ले, जहां वो बुलाएं मैं आने को तैयार हूं। और नहीं तो जो विजन हमने रखा है उस विजन को लागू करने का काम करेंगे। और मेरे 45 जो सेनापति यहाँ बैठे अपने वार्डों से, आप ढोल नगाड़े से उनके साथ आए हो, उनको 28 तारीख को कमल के निशान पे एक एक वोट देते हुए जिता के भेजने का काम करना पूरी ताकत से। आपके लिए, हरित की बात के लिए लड़ेंगे। और लॉकडाउन में भी, कोरोना काल में भी आपके विधायक ने 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो भी धन मिला 1.5 करोड़ विधायक कोटे का पूरा लॉकडाउन में नोखा के आवाम के लिए, गांव के कोई भूखा न सोए उसके लिए कर दिया। और कोरोना काल में लॉकडाउन में आप मेरे भाई जो दिशाओं में पूर्व पश्चिम में रहते हैं, चारों दिशाओं में देश में अपने व्यापार की रोजगार के लिए जाते हैं, लॉकडाउन में वो भी फंस गए। मजदूरी करने जो हजारों लोग नोखा से गए वो भी फंस गए। कोई ट्रेन नहीं, कोई हवाई सेवा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई घर की गाड़ी लेके आना चाहे तो भी परमिशन नहीं। दिन रात मेहनत करके 17,000 लोगों का, नोखा के निवासियों का रजिस्ट्रेशन मेरे कार्यालय में किया, 8,000 लोगों के फोन खुद मैंने सुने, उनकी दुख और तकलीफ में पूरी राजस्थान की सरकार को सोने नहीं दिया, राजस्थान के IAS और IPS अधिकारियों को सोने नहीं दिया। और राजस्थान की विधानसभा में मैंने तो 1 साल पहले कह दिया था, जब कोरोना तो मार्च 20 में आया, आपके बेटे ने तो मार्च 19 में राजस्थान की विधानसभा में कह दिया था कि एक घटना हमारी नोखा की वहां आसाम में हुई है, रोड़ा के रहने वाले एक परिवार के साथ वहां के गुंडों ने मारपीट की है, उस परिवार के व्यक्ति को इतनी गिलानी हुई कि उसको बड़ी मानहानि हुई,
और उसने अपनी शायद जीवन लीला समाप्त कर ली। उसकी चिंता जब मुझे उस मेरे खबर लगी तो राजस्थान की विधानसभा में इस बात को रखा कि राजस्थान की सरकार ने तय करे कि हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जहां भी हमारा राजस्थानी भाई व्यापार के सिलसिले में गया है और दुनिया कहती है जहां ना पहुंचे घोड़ा गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, मारवाड़ियों ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। क्या राजस्थान की सरकार इतना ही बात करेगी कि मारवाड़ी वहां कमाएगा तो राजस्थान का नाम होगा, वो कमाया पैसा राजस्थान में लगाएगा, अपने शहर में लगाएगा तो राजस्थान की सरकार की जीडीपी बढ़ेगी, राजस्थान की सरकार अपनी पीठ थपथपा पाएगी, लेकिन राजस्थान के मारवाड़ी प्रवासी भाई को सैकड़ों हजारों किलोमीटर घर से दूर कोई तकलीफ आएगी तो राजस्थान की सरकार मुंह चुराएगी। राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक ऐसा ऑफिस राजस्थान का हो, ऐसे अधिकारी वहां बैठे कि हमारा दुख तकलीफ में जिस और में रहने वाला भाई कोई भी तकलीफ हो तो हमारे अधिकारियों से वहां की राजधानी में संपर्क कर सके। ये बात राजस्थान की विधानसभा में मार्च 19 में गई थी और मार्च 20 में जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा तो राजस्थान की सरकार के हाथ पैर भूल गए। जिन अधिकारियों को मैंने कहा उन सब ने कहा कि विधायक जी एक साल पहले आपकी कही बात राजस्थान की सरकार मान लेती तो आज हमारे प्रवासी भाइयों को उन प्रदेशों में इतनी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ता। इसलिए वादा करता हूं आपसे, आप जो दूर बैठे हो आज हजारों किलोमीटर से अपनी सरकार चुनने हमारे बीच आए हो, एक ऐसा निर्णय कर जाना, एक ऐसी सरकार स्थानीय निकाय में दे जाना, एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार यहां बना देना। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की असली पार्टी, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये नरेंद्र मोदी की पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी, जो लोग कहा करते थे 370 हट नहीं सकती, 35 से हट नहीं सकता, एक झटके में इन लौह पुरुष ने नरेंद्र मोदी ने 370 भी हटा दिया, 35 से भी हटा दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान में किसी दिशा में मेरा भाई बेटा है, नौका का नागरिक बेटा है, उसके दुख तकलीफ में शामिल होने का काम करेंगे। आज चारों दिशाओं से आप आए हो, प्रत्येक वार्ड और मोहल्ले से आप आए हो और दिशाओं से व्यापार छोड़ के भी आप आए हो, अपनी सरकार चुनने आए हो। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देना, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना देना। वादा करता हूं जो बातें मैंने आपके बीच में कही है अक्सर से इस नोखा में लागू करने का काम करूंगा, नोखा की शक्ल सूरत बदलने का काम करूंगा, नोखा के मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करूंगा। और अब इंतजार का आपका खत्म करता हूं और आमंत्रित करता हूं सिद्धि कुमारी जी को, महाराजा गंगा सिंह जी की पोती को जोड़।